दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्रिएटिव विक्रम। दोस्तों आज के इस वीडियो को आप लोग आखिर देखते रहेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को बात करने वाला हूँ बोट का स्ट्रॉन्ग प्रो यहाँ पे हमारे पास आया है, इसका अनबॉक्सिंग हम करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर रिव्यू दूंगा किस तरीके से इसको आप मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया है, मैंने कुछ दिन से इसको यूज कर रहा हूँ, उसके बाद ही ये वीडियो लाया हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं यूज करके देखना चाहता था यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर ठीक ठाक है या फिर सिर्फ डब्बा खोल नहीं करना चाहता था। डब्बा खोल करूंगा तो इसमें क्या क्या है वगैरह आप इंटरनेट से भी देख सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर ये हाथ में इस तरीके से दिखने को लगता है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से दिखने को लगता है। तो प्रॉपर ये वीडियो को आप लोग पूरा देखोगे तो इसमें आपको किस तरीके से मैंने इसके अंदर बॉक्स कंटेंट क्या क्या है वो भी बताया है, किस तरीके से मोबाइल के साथ कनेक्ट किया जाता है और किस तरीके का इसका फीचर्स है, कैसा क्या बैटरी लाइफ वगैरह, किस तरीके से चार्जिंग वगैरह दिया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एकदम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहेगा। अगर ये परचेस करना है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से परचेस कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखने के बाद अपना ओपिनियन आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस तरीके का वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। और आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो में वो सब कुछ कमेंट में बता सकते हो, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपको बताना है सब कुछ आप बता सकते हो। चलिए बहुत टाइम हो चुका है और वीडियो भी बहुत लंबा है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना और आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा है ये बोट स्टॉर्म प्रो। गाइस फाइनली यहाँ पे हमारे पास बोट का स्टॉर्म प्रो आ चुका है, देख सकते हो। तो थोड़ा सा लेट आ रहा है वीडियो क्योंकि ये मैंने दो दिन से यूज किया, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम लगता तो ये वीडियो मैं नहीं बनाता, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि बोट का जो नया स्टॉर्म प्रो वो आ चुका है फ्लिपकार्ट में, आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी डायरेक्ट फ्लिपकार्ट में जा सकते हो और खरीद सकते हो। तो इसमें हम जल्दी से जल्दी इसमें आपका ओवरव्यू आपको बताएंगे, पहन के बताएंगे क्या क्या फीचर्स है, इसका जो एप्लीकेशन है उसको यूज करके बताएंगे, किस तरीके से मोबाइल से कनेक्ट करा जाता है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग यहाँ पे डब्बे पे क्या क्या है सबको पता है, सब लोगों को मालूम होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ। स्लिप मेटलिक डिजाइन है, इसमें मेटल का बॉडी है, ठीक है। IP68 डस्ट एंड स्वेट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस है, इसका मतलब आप लोगों से थोड़ा बहुत आप पानी में इसको भिगाओगे कुछ नहीं होगा, अगर ज्यादा पानी होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा चार्जर है, चार्जिंग आपको मिलेगा, मतलब एकदम क्विक चार्ज होता है और यहाँ पे 7700 प्लस एक्टिव मोड्स है और यहाँ पे लाइव क्रिकेट स्कोर आपको पता चल जाएगा और यहाँ पे देख सकते हो क्लाउड से आप कस्टम वॉच फेसेस डाउनलोड कर सकते हो, कॉल टेक्स्ट का नोटिफिकेशन मिलेगा और हाँ दोस्तों यहाँ पे कॉल आप रिसीव नहीं कर पाओगे, कॉल यहाँ से आप कट कर सकते हो। उसके बाद हार्ट रेट का SpO2 मॉनिटरिंग मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कंपेटेबल विथ आईफोन के साथ भी कंपेटेबल है और एंड्रॉइड 6.0 के अबव जो कुछ है उसमें जितने भी मोबाइल है उसमें ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक से जितना भी यहाँ पे यूजर डेट वगैरह कुछ है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका रीसेलिंग प्राइस यहाँ पे देख सकते हो 8999 रुपए पर, अभी के टाइम पे ये 2999 में मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, हमने यहाँ पे ब्लैक कलर का मंगवाया है, तो यहाँ पे हम इसको खोल चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी आप लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि बॉक्स का क्वालिटी जो है मतलब घातक है एकदम। आप देख सकते हो इसमें जो यहाँ पे जो बॉक्स है ये भी यहाँ पे मैग्नेटिक है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये बॉक्स अगर खोलने जाते हो तो भी यहाँ पे मैग्नेट दिया गया है। तो यहाँ पे स्टिकर वगैरह मैंने यहाँ पे चिपका के रखा है, बॉक्स के अंदर कॉन्टेक्ट आपको क्या क्या मिल जाता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बॉक्स ओपन करता हूँ तो इसके ऊपर एक स्टिकर लगा था, ये स्टिकर मैंने यहाँ पे चिपका दिया है और ये हमारा जो स्टॉर्म प्रो है, ठीक है। स्टॉर्म प्रो आप इस तरीके का देख सकते हो, एमोलेड डिस्प्ले है, मैं इसको बाद में बताता हूँ, थोड़ा सा आप इसमें क्या क्या है वो देख लीजिए। कुछ इस तरीके का फॉर्म वगैरह दिया गया है और इसके अंदर आपको एक इस तरीके का बोट का बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कुछ स्टिकर एंड इनका जो ब्रांडिंग है कुछ ये वगैरह वगैरह आपको मिल जाता है, यूजर गाइड जो आप क्या क्या कर सकते हो वो यूजर गाइड यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इतना कुछ सब लोग जानना नहीं है, जिनको जो कुछ जानना है वो आके वीडियो में मिलता है। तो यहाँ पे इसको हम साइड कर देते हैं और इसके अंदर ये जो है ये केबल मैग्नेटिक केबल मिलता है जिसमें आप इसको चार्ज वगैरह कर सकते हो। ये फोकस नहीं ले रहा है, ओके फोकस ले लो, कोई बात नहीं, ये मैग्नेटिक चार्जर है, ठीक है। तो इसको हम साइड में करते हैं और इसको भी साइड हटा देते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं ये जो वॉच है इसको हम ऑन करके देख लेते हैं कैसा क्या है। मैंने ऑलरेडी इसको पहना था और इसको मैंने दो दिन तक यूज भी किया है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं इस तरीके से, इसको पावर बटन देते हैं और ये हमारा ऑन हो चुका है फर्स्ट। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने अपना जो कस्टम फेस वगैरह कस्टम स्क्रीन वगैरह है वो यहाँ पे लगा के रखा है। इसके पीछे आपको एक स्टिकर मिलेगा, ये सेंसर के ऊपर दिया हुआ होगा, उसको आपको हटाना है। और यहाँ पे है चार्जर, आपको चार्जर का मैं पोर्ट किस तरीके से वर्क करता है, कितना टाइम में चार्ज होता है वो भी बताऊंगा। तो थोड़ा सा इसके अंदर हम फीचर्स वगैरह देख लेते हैं क्या क्या आपको इसके अंदर मिलता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सिंपल दाएं तरफ इसको हटाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो स्टेप कैलोरी वगैरह कितना कुछ आपने गेन किया है, कितना कुछ लॉस किया है वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है।
स्क्रीन टाइम मेरा थोड़ा सा मैंने कम करके रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से कितना स्टेप अपने चला है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इस तरफ इस तरीके से हम साइड में लेते हैं तो यहाँ पे हार्ट रेट मेजरमेंट किया जा सकता है। मैं यहाँ पे आपको हार्ट रेट भी मैं मेजर करके दिखाऊंगा कैसा क्या मेजरिंग होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत उतना भी ज्यादा नहीं होता, ये बॉडी आपका जो ऑक्सीजन लेवल है ब्लड का वो भी मेजर करता है। ठीक है, उसके बाद आप कितना टाइम यहाँ पे सोए हो वो भी यहाँ पे, मतलब आपका जो चैन का नींद है वो कितना टाइम तक हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा फोन अभी डिस्कनेक्टेड है, मैं वो भी बताऊंगा किस तरीके से मोबाइल के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हार्ट रेट मेजर यहाँ पे हम कर लेते हैं, कैसा यहाँ पे हार्ट रेट मेजर करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने इसको पेन लिया है और इस तरीके से कुछ हम इसका इस तरीके से मेजर पे क्लिक करेंगे, और मेजर पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से ये मेजरिंग कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यहाँ पे उतना भी एक्यूरेट नहीं मिलेगा, जितना मिलेगा काम चल जाएगा आपका। ठीक है, और 3000 रुपये में इससे अच्छा वॉच मैंने कभी नहीं देखा है, क्योंकि ये जो काफी मतलब देख सकते हो बीपी ये मेजरमेंट कर रहा है 67, 68, 69 करके, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइट पहनना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेजरिंग ये होता है। सो गाइस देख सकते हो ये हमारा मेजरमेंट का जो रिपोर्ट है, यहाँ पे इस जगह पे देख सकते हो 109 ऊपर है, नीचे 52 है। ठीक है, तो थोड़ा सा अप डाउन यहाँ पे आपको दिखा सकता है। ठीक है, और क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको ओपन निकाल ले। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका जो वॉच फेसेस का, कितना वॉच फेस यहाँ पे हमारे पास मिलता है। यहाँ पे ये जो फेस है ये हमने किस तरीके से ऐड किया है वो भी बताऊंगा लास्ट में वीडियो में, बने रहे। इसको आपको अगर चेंज करना है तो इस तरीके से प्रेस करके पकड़ के रखना है, और यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का वॉच फेस आपको मिलता है। ये मुझे काफी पसंद है क्योंकि ये देख सकते हो एमोलेड के अंदर बहुत ही खूबसूरत दिखने को लगता है ये वाला वॉच फेस। इसके बाद आपको क्रिकेट का लाइव स्कोर भी यहाँ पे पता चल जाएगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ लोगे तो यहाँ पे आपको क्रिकेट का लाइव स्कोर ऑटोमेटिकली शो होता रहेगा, जो कि आपका मोबाइल के साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए ये। ठीक है, देन इसको इस तरफ लोगे तो नोटिफिकेशन आप कितना मैसेज वगैरह आया है सब यहाँ पे शो हो जाएगा, व्हाट्सएप वगैरह का मैसेज यहाँ पे देख सकते हो पर रिप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, देन यहाँ पे आपको ऊपर से लेना है, यहाँ पे देख सकते हो इसका ब्राइटनेस लेवल मैंने बहुत ही कम करके रखा है, और मैंने कल चार्ज दिया था इसको, अभी भी 90% चार्ज है। मैंने थोड़ा सा यूज किया, ज्यादा यूज नहीं किया इसका मोबाइल में। ठीक है, देन ये ब्राइटनेस मैं लेवल आपको दिखा देता हूँ, कितना ब्राइटनेस यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये देख सकते हो ये बहुत ही मतलब ज्यादा ब्राइटनेस मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे मोबाइल में आपको कैमरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है आप देख सकते हो, यहाँ पे DND का ऑप्शन है, मोबाइल फाइंड माई मोबाइल का ऑप्शन है, उसके बाद अलार्म क्लॉक का ऑप्शन है। ठीक है, देन यहाँ पे सेटिंग्स का भी ऑप्शन है, तो सेटिंग्स पे हम जाके देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अंदर जाके आप वॉच फेस चेंज कर सकते हो, स्क्रीन स्लिप मतलब आपका जो डिस्प्ले है कितने टाइम में स्लिप होगा वो यहाँ पे यहाँ से चेंज कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जिसका डिमांड सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आपको इसको ऑन करके रख सकते हो। इसमें क्या होगा, आपका जो डिस्प्ले है उसका थोड़ा सा चार्जिंग आपको चार्ज आपको कम देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको ज्यादा परसेंट यहाँ पे चार्ज खाता है आपका जो वॉच। ठीक है, यहाँ पे वाइब्रेशन का ऑप्शन है, आप किस तरीके का वाइब्रेट रखना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग या फिर वाइब्रेट बंद करना चाहते हो या फिर सॉफ्ट, मैंने सॉफ्ट करके रखा है क्योंकि ज्यादा वाइब्रेट करूंगा तो मोबाइल यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वॉच हमारा वाइब्रेट करते करते बैटरी ज्यादा ड्रेन करेगा। ठीक है, देन डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, इसको एनेबल करोगे तो डिस्टर्ब नहीं करेगा आपका कोई भी मतलब कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपका। ठीक है, देन यहाँ पे सिस्टम का एक ऑप्शन है, यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन है, सिस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रीसेट रिस्टार्ट एंड फैक्ट्री रीसेट, आपका अगर वॉच आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो वगैरह तो इस पे आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट करके उनको आप गिफ्ट भी दे सकते हो। देन यहाँ पे डाउनलोड एप्स का ऑप्शन है, यहाँ पे QR कोड मिलेगा, इसको आप अगर स्कैन करोगे तो इसका जो बोट का क्रिस्ट एप्लीकेशन है, क्रिस्ट एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा। देन यहाँ पे अबाउट वाला ऑप्शन है, अबाउट में आपका जो सॉफ्टवेयर वर्षन है फार्मवेयर वर्षन है वो यहाँ पे शो हो रहा है, नाम देख सकते हो बोट स्टॉर्म प्रो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा इसका अंदर जो भी ऑप्शंस है ये हमने आपको शो करवा दिया है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, चार्जर पोर्ट, तो मैं यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ और किस तरीके से चार्ज होता है वगैरह मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का मैग्नेट है और यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का, तो जो पॉजिटिव वे है उसमें ये चिपक जाएगा, अगर इधर दोगे तो ये नहीं चिपकेगा। ठीक है, यहाँ पे लेने जाओगे तो नहीं चिपकेगा, ये देख सकते हो इधर उधर हो रहा है, पर इधर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख लेना ये चिपक जाएगा। और यहाँ पे सिंपली आप 5 से लेकर 18 वाट तक 33 वाट तक यहाँ पे चार्ज कर सकते हो, मैंने जो 18 वाट के चार्जर से किया था यहाँ पे
27 टू 28 मिनट यहाँ पे मेरा चार्ज होने में लग गया था। तो गाइस अभी आपको बताएंगे कि इसको मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पे वॉच फेस इस तरीके से बना के रखा है, मेरा जो वॉच का मेरा जो फेस है, आप किस तरीके से अपना वाला यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अपना वाला ये जो देख सकते हो ये हमारा हमारा वाला यहाँ पे है, ये हमारा वॉच फेस यहाँ पे मैंने अपना फोटो लगा के रखा है। तो आप किस तरीके से यहाँ पे अपना जो वॉच फेस यहाँ पे चेंज कर सकते हो, तो चलिए आगे देखते हैं और आप लोगों को मोबाइल के साथ किस तरीके से क्रिस्ट ऐप वगैरह आप यूज कर सकते हो। क्रिस्ट ऐप का पूरा एप्लीकेशन का जितना भी सेटिंग्स है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं आप अपने मोबाइल के साथ ये जो बोट का स्टॉम प्रो है इसको आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। ये जो आप देख सकते हो इसका जो एप्लीकेशन के अंदर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना जो फोटो वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे आप किस तरीके से खुद ब खुद कर सकते हो। ठीक है, तो सब लोग इतना कुछ नहीं बताए थे, मैं उस वजह से मैं वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ और आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना। यहाँ पे देख सकते हो ये जो एप्लीकेशन है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बोट क्रिस करके, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर में जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा होगा। तो यहाँ पे बोट का जो क्रिस्ट एप्लीकेशन है आपका जो फोन का जो क्या बोलते हैं उसको ब्लूटूथ, आपको ब्लूटूथ ओपन करके रखना है, ब्लूटूथ को कभी डिस्कनेक्ट नहीं करना है, ब्लूटूथ कनेक्ट करोगे तभी जाके यहाँ पे आपका जो बोट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला जो इंटरफेस है आपको बोट का जो ये एप्लीकेशन है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, अपना मोबाइल नंबर ईमेल वगैरह दे के यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, बोट का एक अकाउंट बनाना होगा जिसमें आपका जो डेटा है बैकअप करता रहेगा। ठीक है, कोई भी फैक्ट्री रीसेट वगैरह आपने किया होगा तो ये एप्लीकेशन के अंदर आपका जो डिटेल्स है वो रह जाएगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद ही ये सब कुछ आपके थोड़ा देर आप इसको कनेक्ट करके रखोगे तो सब कुछ इसके अंदर फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी है बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आपको जो रजिस्ट्रेशन है खुद ब खुद कर लेना होगा। इसके बाद मैं एप्लीकेशन का इंटरफेस बता देता हूँ और ये आपका जो ये जो बोट का वॉच फेस है ये फेस किस तरीके से चेंज कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हो ये एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद आपको देख लेना है ऊपर की तरफ ये ग्रीन वगैरह है या फिर नहीं, तो ये अगर दिखाता है तो आपका वॉच यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो नीचे की तरफ आपका जो कुछ ऐप ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो हार्ट रेट SpO2 मॉनिटर स्लीप स्कोर सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का कुछ होम वगैरह यहाँ पे दिया जाता है। तो एप्लीकेशन जब भी इंस्टॉल करोगे आपको परमिशन सब कुछ अलाउ करके देना है, देन यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे जा चले जाना है। ठीक है, देन यहाँ पे माई प्रोफाइल पे नहीं आना है, माई प्रोफाइल ऑटोमेटिकली आपका ईमेल के साथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके आपको स्टॉम प्रो का फीचर्स आपको मिल जाएगा, स्टॉम प्रो फीचर्स के अंदर आपको वॉच फेस मिल जाएगा, सैनिटरी रिमाइंडर जो कि फीमेल्स के लिए होते हैं, और यहाँ पे अलार्म्स का ऑप्शन मिल जाएगा, नर्जेस का जो ऑप्शन है सभी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नीचे से शुरू करता हूँ, यहाँ पे गूगल फीट को आपको कनेक्ट कर लेना है, मैंने कनेक्ट करके रखा है। यहाँ पे फाइंड माई वॉच को आपको इनेबल करके रखना है, तो मैं देख सकता हूँ जब भी फाइंड माई वॉच को करके रखा हूँ तो यहाँ पे वॉच मेरा यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वॉच यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, देन यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ऑटो HR ट्रैकर मतलब आपका हार्ट रेट यहाँ पे ट्रैक करेगा, यहाँ पे आप कितने टाइम बाद यहाँ पे आप हार्ट रेट को ट्रैक करना चाहते हो, यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रखते हो, तो मैं यहाँ पे 5 मिनट करके रखा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आपको क्या होगा ऑप्शन, नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जाके आप यहाँ पे इसको इनेबल करके रख सकते हो कॉल नोटिफिकेशन, हाँ उसके बाद यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन एक्सेस मांगेगा आपको एप्लीकेशन में जाके, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में जाके कॉल नोटिफिकेशन को अलाउ करना होगा इस तरीके से। ठीक है, अलाउ करने के बाद आपको जो यहाँ पे SMS नोटिफिकेशन और ऐप नोटिफिकेशन के अंदर इसको ऑन करके रखना होगा। यहाँ पे अगर कितना एप्लीकेशन आपको शो कर रहा है मतलब जो भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि व्हाट्सएप मैंने ऑन कर दिया, व्हाट्सएप में कोई मैसेज आता है तो यहाँ पे भी मैसेज शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फेसबुक जीमेल इंस्टाग्राम टेलीग्राम इसको हम ऑन कर देते हैं और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं, सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी डाउन लग रहा है क्योंकि मैं दूसरा एक मोबाइल से यूज़ कर रहा हूँ जो कि मेरा सेकेंडरी मोबाइल है, उसका थोड़ा कैमरा डाउन है, तो इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोगों को, मैं जितना हो सके उतना यहाँ पे ठीक ठाक करके दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे लाइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देन यहाँ पे वेदर का एक ऑप्शन है, इस पर अगर वेदर आप ठीक ठाक इनेबल करके रखते हो ये वेदर, तब यहाँ पे आपको फ़ोन में भी वेदर सॉरी यहाँ पे भी आपको वेदर शो हो जाएगा, देख सकते हो 34 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आज है, तो ये एप्लीकेशन से ऑटोमेटिकली सिंक कर लेता है। तो इसके बाद यहाँ पे नजेस पे यहाँ पे ओपन करके नजेस को ऑन कर सकते हो, देन यहाँ पे अलार्म सेट करके रख सकते हो, मैंने यहाँ पे कोई भी अलार्म यहाँ पे सेट नहीं किया है, और यहाँ पे जाके वॉच फेसेस का ऑप्शन है, वॉच फेस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे 4 वॉच फेस हमारे इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है, देन यहाँ पे क्लाउड पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो ढेरों वॉच फेसेस है। ठीक है,
कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना, कुछ भी सिलेक्ट कर लेना जो भी आपको चाहिए होगा, उसको आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं वॉच फेस कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला वॉच फेस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, तो आप अगर यहाँ पे खुद का फेस लगाना चाहते हो तो यहाँ पे जाके फोटोज पे जाके आपका अपना जो फोटो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, देन यहाँ पे आपका जो फेस है यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं क्लाउड में एक सेव करके आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट किया था, इसको अगर सेव करना है तो यहाँ पे अप्लाई पे आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोडिंग का ऑप्शन आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे भी डाउनलोडिंग होगा, और थोड़ा सा यहाँ पे ब्लूटूथ में ऑटोमेटिकली काम होता है तो थोड़ा सा वेट करना होगा, जैसे कि एक मिनट तक या फिर दो मिनट तक आपको यहाँ पे वेट करना हो सकता है यहाँ पे वॉच फेस के लिए, ठीक है। तो वॉच फेस यहाँ पे सिलेक्ट होने के लिए एक से डेढ़ मिनट यहाँ पे टाइम आपको लग जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट आपको करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है 98-99%, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा वॉच फेस भी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे हमारे कैमरे में थोड़ा सा इशू है, इस वजह से क्लियर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमारा वॉच फेस यहाँ पे हो गया है सिलेक्ट। तो इस तरीके का कुछ सेटिंग है वोट क्रिस्ट के अंदर, आपको मैं पूरा का पूरा यहाँ पे बताने की कोशिश किया, यहाँ पे वॉच का जो रिव्यू मैंने देने की कोशिश की। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसा लगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पूरा का पूरा एकदम डिस्क्राइब वीडियो है इसमें, अगर ये खरीदना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से खरीदोगे तो भाई को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ वगैरह हमें खरीदना भी पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, मैं इसी तरीके के वीडियोज़ आपको लेके लाता रहूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं विक्रम मिलता हूँ आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहेगा दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर।